नमः शिवाय। आशुतोष नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषभध्वज गंगाधर नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। भविष्यवाणी में आज हम बात करेंगे शिवलिंग की। समाज के कुछ दुश्मन शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा देते हैं। इसके चलते कुछ लोग शिवलिंग को शिव भगवान का गुप्तांग समझने लगे हैं और दूसरे लोगों को भी ये गलत जानकारी देने लगे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे प्रकृति से शिवलिंग का क्या संबंध है, शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित क्यों किया जाता है। ऐसे में कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या शिवलिंग घृणित नहीं है? किसी महिला के निजी अंग पर रखे एक पुरुष के निजी अंग की पूजा, महिलाओं द्वारा करना, उस पर दूध चढ़ाना, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, शिवलिंग घृणित नहीं है। सच ये है कि अश्लीलता तो ऐसे लोगों के मन में है जो हर चीज़ में अश्लीलता खोजने को उतावले रहते हैं, खास तौर पर हिंदू प्रतीकों में, क्योंकि देवी देवताओं का अपमान करना ऐसे लोगों की घटिया मानसिकता का सबूत होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। चलिए पहले आपको शिव का मतलब समझाता हूँ। शिव का अर्थ है कल्याण। दुनिया के किसी भी शब्दकोश में इसके लिए कोई समानांतर शब्द नहीं है। भगवान शिव सभी का कल्याण चाहने वाले हैं। यही कारण है वे ओम नमः शिवाय का जप करते हैं जो सभी का कल्याण करता है। शिवः करोतु कल्याणम्। मैं उस परमपिता परमात्मा के समक्ष समर्पण करता हूँ बिना किसी भेदभाव के। सभी के कल्याण की प्रार्थना हिंदू धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य विचारधारा में नहीं पाई जाती। अब यहाँ आप लिंग का मतलब समझिए। लिंग का अर्थ है चिन्ह। जैसे स्त्री लिंग का अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जो स्त्री रूप में कल्पित की जा सके। अब वह एक वास्तविक महिला भी हो सकती है या कोई ऐसी वस्तु जो स्त्री रूप में सोची जा सके, उदाहरण के लिए नदी, गीता आदि। इसी तरह पुल्लिंग उसे कहते हैं जो पुरुष के प्रतीक रूप में माना जा सके, जैसे आदमी, पहाड़, वृक्ष आदि। इन दोनों का मतलब बनता शिवलिंग। इसी प्रकार शिव के प्रतीक रूप में माना जा सके वही शिवलिंग है, अर्थात कुछ ऐसा जिसके प्रति हम सभी के कल्याण की हमारी शुभ भावनाओं को जोड़ सके। फिर प्रतीक के रूप में पुरुष जननांग क्यों? वह प्रतीक या चिन्ह क्या हो सकता है? वेदों में अनेक जगह परमपिता परमात्मा को एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा गया है जो समस्त स्वात्विक गुणों, शुभ वृत्तियों का आधार है। वही मृत्यु और अमरता, साधारण और महानता के बीच की कड़ी है। यही कारण है हिंदू मंदिरों और हिंदू स्थापत्य कला में स्तंभ या खंभे प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं। जो लोग शिवलिंग में पुरुष का जननांग देखते हैं उन्हें हर बेलनाकार वस्तु में शिश नहीं दिखता होगा। जैसे खंभे, बेलन, सरिये अपनी उंगलियों तक में भी। यह एक मानसिक विकार ही है जिसका हाई वोल्टेज के बिजली के झटकों से ही इलाज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त योग साधना भी अग्नि की लौ पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करने को कहती है जो स्वयं शिवलिंगाकार है। इसका भी स्पष्ट आधार वेदों में मिलता है। शिवलिंग और कुछ नहीं, ऐसा लौकिक स्तंभ ही है जिस पर हम अग्नि की लौ की तरह ध्यान को केंद्रित कर सके और हमारी कल्याणकारी भावनाओं को उससे जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ज्योति वह है जो आपके अंदर के अंधकार को दूर करके प्रकाश को फैला दे। आत्मज्ञान का वह पथ जो अलौकिक दिव्य प्रतिभा की ओर ले जाता है। आदित्य वर्णः तमसा परस्तात्, प्रकाश से पूर्ण अज्ञान अंधकार तमसेहीन। यह पद्धति बहुत उत्कृष्ट परिणाम देती है। योग सिद्धि के इस मार्ग का अनुसरण करने वालों ने अनेक चमत्कार किए हैं। यही कारण है कि शिव समस्त योग सिद्धियों के स्रोत हैं। अब आपका सवाल होगा कि महिला तो निजी अंग
लिंग के नीचे क्यों होता है, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी आपका एक मानसिक विकार है। योनि का मतलब है घर, मकान नहीं घर, अपने स्थायी पते की तरह। यही कारण है कि जीवों की कई प्रजातियों को योनि कहा जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे देवी देवताओं के महान विश्वासों पर घृणित प्रलाप कर लेंगे तो उनकी मानसिकता का विकार है। दीपक भी लौ की योनि है। दीपक लौ को जलने के लिए स्थिर आधान प्रदान करता है। उसी प्रकार ब्रह्मांडीय स्तंभ को भी एक ठोस आधार के लिए नींव की जरूरत है, वरना स्तंभ नीचे गिर जाएगा। स्तंभ शक्तिशाली होना चाहिए जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरता प्रदान करने में सक्षम हो। पृथ्वी पर एक ठोस आधार के बिना स्वर्ग के सपने, सातवें आसमान में बेहतर हूरों और शराब के दुस्वप्न के अलावा कुछ नहीं हो सकते। इसलिए हम कहते हैं कि शिव को शक्ति के आधार की जरूरत है। शिव लिंग है, शक्ति योनि है। यही शिव और शक्ति के संबंध का मूल तत्व है। चलिए आपको इसकी परिभाषा भी समझाते हैं। वेदों का एक बुनियादी नियम है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जैसा पिंड में घटता है वैसा ही ब्रह्मांड में घटता है। इसीलिए यह शिव शक्ति का संबंध दुनिया के प्रत्येक सृजनात्मक और यहाँ तक कि विनाशकारी घटनाओं का आधार है। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो सृजन होता है और उनके वियोग से ही विनाश होता है। यही शिव और शक्ति, मित्र और वरुण, अग्नि, सोम, उष्ण और शीत, द्वलोक और पृथ्वी के रूप में परिणित होकर सृजन और प्रलय करते हैं। यह जीवन के सभी पहलुओं में लागू है। विभिन्न परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्याओं को दिखाने के लिए ही लोगों ने इस सिद्धांत के आधार पर प्रतीकात्मक कहानियां बनाई। वेद ही इस सिद्धांत का स्रोत है और इसका अभ्यास योग में है। पुराण और अन्य ग्रंथ इसी सिद्धांत को विभिन्न प्रतीक और रूपक देते हैं। हम संसार में देखते हैं कि शक्ति स्त्री रूपी है, नारी स्थिरता और पोषण प्रदान करने वाली है। तुमने अपनी माँ से ही गर्भ में और बाहर भी पोषण पाया था, इसीलिए वैदिक संस्कृति में गौ, गंगा, तुलसी आदि हर पोषक प्रदायक वस्तु को माँ के रूप में देखा जाता है। पुरुष बाहर की ओर उपक्रम करता है क्योंकि वह स्थिर हो जाता है और यह प्रतीकात्मक है। अगर यह प्रतीकवाद आपको प्रभावित करता है तो इससे लाभ लीजिए। इसके द्वारा पहले अपने मन को जीतिए, फिर आत्मा को, जैसा कि योगी करते हैं। अगर यह प्रतीकवाद आपको प्रभावित नहीं करता है तो कुछ और चुनिए। वह अनंत परमात्म तत्व अनेक मार्गों द्वारा जाना जाता है और प्रत्येक मार्ग में अपने ही सुंदरता से अनुस्यूत है। अगर आपको उन मार्गों में से भी कुछ नहीं जचता तो स्वयं अपना मार्ग बनाइए। अगर वह भी असंभव है तो साम्यवाद और अहंकार के अपने ब्रांड का आनंद लें। लेकिन किसी चीज का केवल इसीलिए अपमान मत करो क्योंकि वह तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुस रहा। क्योंकि छोटी बुद्धि का कोई मनुष्य यदि किसी उच्च सिद्धांत को ना समझ पाए और उसका खंडन करने की इच्छा रखता हो तो पहले वो उस उच्च सिद्धांत को अपनी बुद्धि के स्तर तक लाएगा, तभी उस पर वो जीव हिला पाएगा। यही कुछ लोगों का हाल है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार आपको बताएंगे हमारे वेद पुराणों पर सवाल उठाने वाले लोगों की मानसिकता के बारे में। द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको एक श्लोक बताता हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यानां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं द्वारिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा शरपा विनिर्मुक्ता शिवलोके महीयते। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।